गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीना वुमेन ब्यूटी। आज मैं आपके लिए एक DIY फेशियल लेकर आई हूँ। इस फेशियल को करने से आपके स्किन रिलेटेड सारे इश्यूज जितने भी हैं, डार्क स्किन का प्रॉब्लम है, स्पॉट्स का प्रॉब्लम है, डेड सेल्स हैं स्किन के ऊपर, ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, इसके अलावा पिगमेंटेशन है, रिंकल्स है, एजिंग है, ये सारी चीजों को रिमूव करेगा। अगर सनबर्न का प्रॉब्लम है तो ये इसको भी लाइट करेगा, ब्राइट करेगा और आपको एक दो शेड फेयर स्किन देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, हमारा पहला इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज कर रहे हैं नेस्ले का एवरीडे मिल्क पाउडर। इसकी हमें 2 टेबल स्पून की रिक्वायरमेंट होगी मास्क की प्रिपरेशन के लिए। और हमारा जो मेन हीरो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो है राइस। ये मैंने रात को इसको भिगो के रखा था। ये 4 टेबल स्पून राइस है। पानी को हम सेपरेट करेंगे बिकॉज हमें इसका वाटर भी यूज करना है, राइस वाटर। ये टोनर और क्लिंजर के लिए यूज होगा। एंड जो राइस है इनको हम ग्राइंड करेंगे स्क्रबिंग के लिए और मास्क के लिए। और इसके अलावा हमें इसमें चाहिए हनी। मैं पतंजलि का हनी यूज कर रही हूँ। आप कोई भी हनी जो भी आपके पास हो आप वो यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा रोज वाटर। सो आइए देखते हैं हमें मास्क को कैसे कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या स्टेप हमें यूज करने हैं। तो पहले मैं राइस को ग्राइंड कर लेती हूँ और पानी सेपरेट कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ मैंने राइस ग्राइंड कर लिया। अभी मुझे यहाँ पे 2 टेबल स्पून राइस चाहिए मास्क की प्रिपरेशन के लिए। देन अब हम इसमें 2 टेबल स्पून अपना मिल्क पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हनी डालेंगे। देन अब हम इसमें अपना 1 टेबल स्पून डालेंगे रोज वाटर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये थोड़ा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, इसके अंदर थिकनेस हो जाएगी और इसको हम यूज करेंगे एज ए मास्क। तो अभी जो हमारा फेशियल है इसमें हमारे 3 स्टेप जो रहेंगे वो मेन रहेंगे। पहला रहेगा क्लेंजिंग एंड टोनिंग। जो भी हमने राइस वाटर जो था हमारा, इससे हम अपना क्लेंजिंग और टोनिंग करेंगे। देन ये 2 टेबल स्पून जो राइस ग्राइंड करने के बाद जो हमारा बचा था, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून हनी मिक्स किया है। इससे हम अपना स्क्रब करेंगे एंड देन ये हमारा थर्ड होगा मास्क। सो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट स्टेप यूज कर रहे हैं क्लेंजिंग और टोनिंग। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो राइस का जो वाटर सेपरेट किया था मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ये आपके स्किन को लाइट करेगा, ब्राइट करेगा, जितने भी डार्क स्पॉट हैं आपके स्किन के ऊपर उनको रिमूव करेगा। और इसे थोड़ी देर ना अपने फेस के ऊपर हमें लगे रहने देना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो यूज़ करेंगे। जितने भी जो कोरियन फीमेल्स होती है ना, वो लोग ज़्यादातर राइस वाटर का यूज़ करते हैं अपने स्किन को ब्राइट करने के लिए और क्लीन करने के लिए। सो अगर आप एयरटाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं तो आप इसे 3 से 4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। सो जब ये ड्राई हो जाएगा देन हम अपना नेक्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैंने जो ग्राइंड राइस थे उसमें 1 टेबल स्पून हनी ऐड किया था। और अब मैं इसे स्क्रबिंग करूंगी। स्क्रबिंग हमेशा सर्कुलर मोशन में करना है और हल्के हाथ से अपने फेस के ऊपर करना है। सो स्क्रबिंग से जितनी भी आपकी डेड स्किन है वो निकल जाएगी और जितनी भी ब्रेकआउट स्किन होगी वो आपकी आराम से क्लीन हो जाएगी आपके फेस से। जितनी पिगमेंटेशन है ये और जितना भी डर्ट और पोल्यूशन है, आपको ब्लैक हेड और वाइट हेड की प्रॉब्लम है, वो ये इन सारी चीज़ों को रिमूव करेगी। सो इसको सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से हमें अपने फेस के ऊपर जो है स्क्रबिंग करनी है। अगर आप ज़्यादा जोर देके स्क्रबिंग करेंगे तो जो राइस के जो ग्रैन्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये आपके स्किन को हर्ट कर सकते हैं। तो हमें हमेशा इसे
हल्के हाथों से और सर्कुलर मोशन में अच्छे से यूज करना है। राइस के अंदर बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं स्किन के लिए। इसके अंदर फ्यूरिक एसिड होता है विच आर एसेंशियल फॉर अ ब्यूटीफुल स्किन एंड दैट्स वर्क लाइक एंटीऑक्सीडेंट। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और आपकी स्किन को स्मूथ और सिफल बनाता है। प्लस हनी जो हमने स्क्रबिंग के लिए और मास्क में यूज़ किया है, जितनी भी आपको एक्ने की प्रॉब्लम है और जितनी भी आपके स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, आपकी एक्ने की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा, प्लस आपकी स्किन को लाइट करेगा और ब्राइट करेगा। सो आपको सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करना है। एटलीस्ट आप इसे 8 to 10 minutes तक अच्छे से अपने स्किन के ऊपर मसाज कीजिए और देन फिर आप कोल्ड वाटर से, नॉर्मल वाटर जो होता है उससे अपने फेस को वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद हम यहाँ पे अपना मास्क लगाएंगे। मास्क के लिए हमने जो राइस का जो पाउडर था जो हमने ग्राइंड किया था वो 2 tablespoons लिया था। 2 tablespoons मैंने उसमें नेस्ले का मिल्क पाउडर और 1 tablespoon हनी एंड 1 tablespoon रोज़ वाटर यूज़ किया था। सो जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर बहुत सारा लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को लाइट करता है और ब्राइट करता है। और जो हमने हनी यूज़ की है वो आपकी एक्ने की प्रॉब्लम दूर करके आपको स्मूदनेस देगा। जो रोज़ वाटर है वो आपके स्किन के ऊपर जितनी भी रेडनेस है वो दूर करेगा और एक कूल टोन आपको प्रोवाइड करेगा आपके स्किन को। प्लस आपकी स्किन जो है ये ग्लो करेगी और ब्राइट करेगी। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसी क्रीम बता दो जिससे गोरे हो जाएं। सो गाइस प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी अपनी स्किन के साथ ना बिल्कुल भी खिलवाड़ मत कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आपको बहुत ज़्यादा गोरा बना दे या सफ़ेद कर दे या फेयर कर दे। जिसका जो भी स्किन टोन है उसका जो टेक्सचर है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो अपनी स्किन की। लेकिन अगर आप सोचते हो ना आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाओगे फेयर हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी स्किन भी टैन होके अब इतनी हो चुकी है, पहले और ज़्यादा फेयर थी। बट लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती हूँ कि मैं ये नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करके उसको 1 या 2 shades और लाइट कर सकती हूँ और जो स्किन टोन है, जो टेक्सचर होता है आपकी स्किन का, आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी स्किन को जो है वो और ज़्यादा ग्लोइंग कर सकते हैं और ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं, टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएंगे। ऐसा होता है ना कि आपका जो भी स्किन टोन है वो अगर इवन टोन है, क्लीन है और ग्लोइंग है तो जो भी आपका स्किन का कलर है वो अच्छा लगता है। चाहे आपका विटिश कॉम्प्लेक्शन हो, चाहे आपका फेयर हो, लेकिन जो एक स्मूदनेस होनी चाहिए, जो स्किन का जो टेक्सचर होता है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो चीज़ें आपकी स्किन के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो फेयर हो या नहीं हो इट डजेंट मैटर। आपका जो भी स्किन टोन है, जो आपका बाय बर्थ स्किन टोन है, वही जो है वही सबसे अच्छा है। बस आप अपनी स्किन का जो टेक्सचर है ना आप उसे इम्प्रूव कीजिए, अपने फेस के ऊपर एक ग्लो ऐड कीजिए। नाउ अभी मैं मास्क के बाद मैंने अपना फेस जो है यहाँ पे वॉश कर लिया है एंड यू कैन सी द रिजल्ट। अभी मेरी जो स्किन है ये 1 या 2 shades और ब्राइट हो चुकी है। मेरे फोरहेड पे जो सन टैन हो रहा था वो भी, उसके जो मार्क्स थे वो भी काफ़ी लाइट हो चुके हैं। सो गाइस ये जो रेमेडी है ये 100% वर्क करेगी। प्लीज़ इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।